पिछले वीडियो में आपको मैंने तीन गोल्डन रूल की चर्चा करी थी और आज उसी क्रम को मैं जारी रखते हुए रूल फोर की चर्चा करूंगा और फोर फाइव सिक्स जहां तक कुछ चीजें हो पाएंगी वहां तक मैं आज कर देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और नियम मिलेंगे। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि चीजें और लोगों तक पहुंच पाए। आइए चर्चा को शुरू किया जाए। रूल नंबर फोर, गोल्डन रूल। तो चौथा जो रूल है इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे चीजों को पढ़ते हैं, एक थोड़ा से का छोटे से वर्ड से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं उसको। जैसे एक शब्द होता है CATTLE, कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी। कैटल मीन्स होता है मवेशी। यहां से नियम क्या कहता है इसको देखें। कैसा नजर आ रहा है आपको? सिंगुलर लग रहा होगा। कैसा लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है। कैसा लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है ये क्या? प्लूरल है। है क्या ये? प्लूरल है, और प्लूरल में ही आप इस्तेमाल इसका करते हैं। तो ये रूल बना कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते क्या हैं? बहुवचन। इनका एक वचन में प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो आइए इस रूल को मैं आपको दिखा दूं लिख के, देखेंगे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये सदैव प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहां पे बात समझ पा रही है? तो आपके डेफिनेशन इसकी क्या बनी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल। ठीक है, अब एक चीज समझे, जब प्लूरल होते हैं तो इसके साथ प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाती है। यहां तक समझ में आ गई बात? आइए उस लिस्ट को देखें। जैसे आपका एक वर्ड हुआ कैटल, क्या हुआ? कैटल। वर्मिन, कीड़े मकोड़ों का समूह, वर्मिन। पोल्ट्री, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, शीप, डियर। तो ये कुछ आपके नाउन की लिस्ट बन के तैयार हो गई आपके पास। कैटल मतलब क्या होता है? मवेशी। वर्मिन, कीड़े मकोड़े। पोल्ट्री आप जानते हैं, जो आपके मुर्गे बत्तख पालन जो होता है, पोल्ट्री होते हैं। आपका पुलिस, इधर आपका पीजेंट्री मतलब क्या होता है? कृषक वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषक वर्ग। इसका मतलब, जेंट्री का मतलब होता है, शरीफ लोगों का समूह, शरीफ लोग। पोल्ट्री आप समझ गए हैं, ठीक है। इधर सीप भी इसी लिस्ट का है और डियर भी इसी लिस्ट का है।
तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं दिखने में कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं, और सदैव आप प्लूरल में इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप फॉर्म करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा कैटल, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं, दिस कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये बात समझ में आई? अब एक चीज समझिए, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है तो ये दिस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, दिस का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते थे, यहां पहली बात तो आप दिस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपने इसको दिस तो किया तो दिस कैटल हुआ, और क्या गड़बड़ी आपसे कराई जाती है, इसको देखें, यहां पर इज और आर लगाया, लगाएंगे आप तो, कौन सा लगा देंगे आप, ध्यान रखिए आप सिंगुलर तो है नहीं, तो ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। और एग्जांपल देखें, पुलिस आर पेट्रोलिंग इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में पुलिस क्या करे, गश्त कर रही है। देखें पुलिस है यहां, दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन है कैसा, प्लूरल है, और वर्ब कैसी लगेगी इसके साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बात क्लियर हो गई कि ये रूल क्या कह रहा है, कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे प्लूरल, इनके साथ कभी भी प्लूरल सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आया करते हैं, तो चीजों को ध्यान में रखें। एक वर्ड होता है एफ ओ एल के, ये भी उसी कैटेगरी का है, ठीक है। आइए रूल नंबर नेक्स्ट की चर्चा करें, रूल नंबर 5। पांचवा रूल क्या कहता है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये गोल्डन रूल का 5। कुछ संख्या सूचक शब्दों की मैं एक लिस्ट आपको बताने पर, संख्या सूचक शब्द क्या होते हैं इसको समझेंगे। जैसे आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्कोर, ये क्या है, संख्या बताते हैं, डजन क्या है, संख्या सूचक है, 100,000, ये क्या आपके कैसे शब्द है, संख्या सूचक वर्ड, क्या है, संख्या सूचक शब्द, इसको समझना जरूरी है। जैसे मैं कुछ आपको एक दिखाता हूं, ऐसे आप लिखते हैं 1,00,000, 1,00,000, ये ठीक है, 2,00,000, ये ठीक है कि ये ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो जाती है कि 2,00,000 लिखें कि 2,00,000 लिखें। तो इस चीज को समझने के लिए ये रूल बना, इस चीज को आपको समझने के लिए इस रूल को मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए इसकी चर्चा करते हैं। संख्या सूचक में पहले लिख लेता हूं, उसके बाद संख्या सूचक शब्द, ठीक है, संख्या सूचक शब्द में आपका इस्तेमाल जैसे करेंगे आप, जैसे डजन को ले लिया, स्कोर को ले लिया, 100 को ले लिया, 1,000 को ले लिया, इसी क्रम में आप बढ़ा देंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक, जो भी आप संख्या सूचक दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे आप लाख ले लीजिए, लाख को आप लैक भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ये आपके संख्या सूचक वर्ड है, क्या है, संख्या सूचक शब्द है। अब इसके पहले क्या जाए, डिफिनिट
न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्या जाए? डिफरेंट न्यूमेरल एडजेक्टिव जब आ जाए, क्या जाए? डिफरेंट न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर आए तो ये सदैव सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होंगे? सदैव सिंगुलर में। ये बात नहीं समझ भाई, थोड़ा समझते हैं। डिफरेंट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है इसको थोड़ा जान ले, कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी संख्या को निश्चित कर दे, क्या कर दे? निश्चित कर दे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ये आपका लिखा है टू बॉयज, ठीक है, ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, ये नंबर बता रहा है तो न्यूमेरल हो जाएगा, और निश्चित संख्या बता रहा है तो इसलिए दो क्या हुआ? डीएनए हो गया, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया ये। अब देखिए इन संख्या सूचक शब्दों के पहले क्या जाए? डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आए तो ये सदैव सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। अब समझ में आया आपको कि अगर आपको 200,000 लिखना है तो कौन सा ये सही हुआ कि कौन सा सही हुआ? क्लियर हुई कहानी? क्योंकि मैंने कहा डिफिनिट है इसलिए क्या है, इस लिस्ट का है, इसलिए सदैव क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसलिए आपका ये क्या हुआ? गलत है। आपका क्या है? सही है। जनरली आप गलती यहां पर कर बैठते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। एक बार और परिभाषा में क्लियर कर देता हूं कि किसी संख्या सूचक शब्दों के पहले क्या आ जाए? डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आए तो संख्या सूचक के शब्दों को क्या करते हैं? सदैव सिंगुलर में ही लिखते हैं, प्लूरल बनाने का प्रयास न करें, अन्यथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चन फॉर्म करते हैं इनसे, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको देखें। टू लाख्स पीपल आर कमिंग इन द पार्टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर टू है, मैंने क्या कहा था कि ये आपके संख्या सूचक शब्द है, इनके पहले क्या है? निश्चित आया हुआ है, इसलिए गड़बड़ी कहां मिल गई? यहां मिल गई। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से चीजों को आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर आप मिस्टेक कर देते हैं। अब थोड़ा सा और इसके सेगमेंट को बढ़ाते हैं। सेगमेंट ए का है कि जब डिफिनिट हो, निश्चित हो, तब एक चीजें लागू होगी, अनिश्चित हो जाए तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 100,000 कहना, 100,000 एक निश्चित संख्या है, लेकिन अगर लाखों कहें तो कैसा होगा? अनिश्चित हो जाएगा। यदि लाखों लोग आए तो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, ये क्या है? एक निश्चित संख्या है। लेकिन हजारों लोग आए, अनिश्चित है। बात को समझे, यहां से ही कंसेप्ट बनेगा। और कि संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे हो जाए? अनिश्चित संख्या का बोध कराए उनके पहले क्या आ जाए? थोड़ा समझ लीजिए, संख्या सूचक का लिस्ट मैंने बनाया था यहां, वो लिस्ट इसमें मान लीजिए आ गई, और यहां पर क्या हो जाए? इनडेफिनिट हो जाए। कैसा संख्या बोध हो जाए? इनडेफिनिट, अनिश्चितता का बोध करा दे। तो ऐसी स्थिति में इन संख्या सूचक शब्दों का प्लूरल बन जाता है, इनका प्लूरल आप बना लेंगे। इस चीज को ध्यान, जैसे लाख है तो आप लाख का लाख्स कर सकते हैं तब जब अनिश्चित संख्या का बोध हो जाए, अनिश्चित संख्या का बोध हो जाए। जैसे देखें लाख्स ऑफ पीपल, लाख्स ऑफ लाखों लोग, कैसे लोग? लाखों लोग। तो ऐसी स्थिति में आप कर देंगे टेकिंग और डीप इन द कंफ्यूजन्स, मतलब लाखों लोग ले रहे हैं क्या? डुबकी लगा रहे हैं, कहां? संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? ये संख्या कैसी है?
अनिश्चित है। तो आप इन संख्या सूचक जब अनिश्चितता का बोध हो जाएगा तो इनका बहुवचन हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब निश्चित संख्या का बोध हो तो बहुवचन नहीं होता, जब निश्चित संख्या जब अनिश्चित संख्या का बोध होगा तो बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन जब निश्चित का होगा तो बहुवचन नहीं बनता है। इन चीजें क्लियर हो गई। आइए रूल नंबर 6 की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 6, यहां समझने प्रयास करें। नाउन प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन। जैसे कुछ मैं लिखता हूं कि सीप आफ्टर सीप, डे बाई डेज। इसमें अगर आपको छांटना हो कौन सा सही कौन सा गलत है, इसको समझ रहे हैं आप लोग? सीप आफ्टर सीप, डे बाई डेज, तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर नाउन आए फिर प्रीपोजिशन आए और फिर से वही नाउन आए, इन दोनों साइड के नाउन को क्या रखा जाता है? सिंगुलर में रखा जाता है। किसमें रखेंगे आप? सिंगुलर में रखेंगे। जब सिंगुलर में रखेंगे तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। अब जिसे एग्जांपल देखें, सीप आफ्टर सीप इज कमिंग, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये आफ्टर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके पहले ये आपका क्या है? नाउन है। ये आपका क्या है? नाउन है। तो दोनों साइड के नाउन को क्या रखेंगे आप? सिंगुलर में रखेंगे। मैंने क्या कहा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। इस चीज को आप समझ के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो ठीक है, तो सीप आफ्टर सीप इज कमिंग, जहाज के बाद जहाज आ रही है, जहाज के बाद जहाज आ रही है। तो यहां चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई सीप आफ्टर सीप, तो बहुवचन बनाने का प्रयास न करें, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके 6 रूल हो गए हैं गोल्डन रूल में, नाउन के गोल्डन रूल में मैंने आपको 6 करा दिया हूं, और इसी क्रम में आपको और वीडियो मिलेंगे। आज मैं 3 ही नियम की चर्चा करूंगा, आज यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।